हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी टू वर्ल्ड चैनल। आज हम आपको पेल डिस्पेंसर के खोलने का तरीका बताएंगे कि इसकी टूटियों को किस तरह खोलते हैं और किस तरह इसको चेंज करते हैं, इनकी सर्विस किस तरह करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गर्म की है, ये ठंडी वाली है और ये इसके गर्म की है। ये इसकी इनसाइड है, टूटी की इनसाइड की जगह है जहाँ पे इस पर ठंडे और गर्म के पॉइंट लगे होते हैं पाइप के साथ, ठंडे के जग के अंदर से और गर्म के टैंक के अंदर से, और ठंडे के टैंक के अंदर से ये पाइप लगे होते हैं इसके साथ। हम इसको यहाँ से स्क्रू की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे, खोल के आपको दिखाते हैं किस तरीके हमारी टूटियाँ चेंज होती हैं, उनकी सर्विस करनी हो, कचरा आ गया हो तो किस तरह इसकी सफाई करते हैं। ये चार स्क्रू लगे हुए हैं इसमें एक नल में, ये हमारे स्क्रू जो इसके खुल चुके हैं, चार ठंडे वाले पे लगे हुए हैं और चार ये गर्म वाले पे, ये चार के चार स्क्रू खुल गए हैं। अब हम पैनल के ये स्क्रू खोलेंगे और यहाँ से फिर इसको आपको दिखलाते हैं कहाँ से ये नल पीछे से निकलता है, फिर वहाँ से निकाल के आपको बताते हैं। उससे पहले हम पैनल के ये चार स्क्रू सर्किट के खोल लेंगे। ये इसमें 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 स्क्रू लगे हैं, इनको हम रिमूव करेंगे। ये हमने पीछे से 4 स्क्रू इसके खोल लिए हैं। अब ये सामने वाला पैनल है, अब हम इसको हटाएंगे। ये देख सकते हैं ये हट गया हमारा ये पैनल, और हम ये इसकी एलईडी की स्क्रीन भी हटा लेंगे हम लोग। अब हम दोनों हॉट और कोल्ड की टूटी को रिमूव करेंगे, इसको निकालेंगे हम। पीछे से हमने इसके स्क्रू खोल लिए, अब हमको आसानी हो जाएगी इसको निकालने में। इस टूटी को पीछे से हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके आसानी से अब बाहर निकल आएगी, किसी किस्म की हमारे को परेशानी नहीं होगी अब निकालने में इसको, ये आसानी से बाहर आ जाएगी। अभी हम निकाल के आपको दिखाते हैं पीछे से प्रेस करके इसको। ये देखें, हमने प्रेस किए इसको, प्रेस करके पीछे से ये देखें, और ये बाहर निकाल दिया। देखा, आसानी से बाहर आ गई हमारी, इस तरह हम आसानी से इसको बाहर निकाल सकते हैं। देखें, ये खोल के इसकी सर्विस भी कर सकते हैं। देखें इसमें कितना कचरा नज़र आ रहा है, हम इसकी सफाई करेंगे पूरे, खोलेंगे, खोल के सर्विस करेंगे। इसके अंदर स्प्रिंग होता है, वो आपको दिखाएंगे किस तरह का स्प्रिंग होता है इसमें। ये हमने दोनों अपने नल इसके देखें हॉट एंड कोल्ड के दोनों रिमूव कर लिए, इन दोनों को हमने निकाल लिया है आसानी से इसी तरह। अभी आपको पैनल नज़र आ रहा है खाली, ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ पैनल है आपके सामने। ये देख सकते हैं कि आसानी से हमारा नल यहाँ से निकल गया है, हॉट एंड कोल्ड के नल दोनों निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, खाली पैनल आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह आप आसानी से इसका काम कर सकते हैं, डिस्पेंसर की नल सर्विस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। मेरी इस तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजी टू वर्ल्ड चैनल, शुक्रिया।